हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के अलर्ट में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि पिछले दिनों में हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के द्वारा जिन जिन पोस्टों के लिए फॉर्म भरे गए थे और उनके अभी मेंस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपके एडमिट कार्ड जारी होने, और उनके एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि पंजाब सिविल सर्विस ज्यूडिकल ब्रांच के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए जाएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम है वो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा आपकी एग्ज़ाम उस बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी। पोस्ट का जो नेम था जिसके लिए एग्ज़ाम होनी है वो पंजाब सिविल सर्विस जुडिकल ब्रांच, और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो 22 से 24 नवंबर के बीच आपकी एग्ज़ाम होगी। और आपके एडमिट कार्ड हैं वो दोस्तों अभी तक जारी नहीं हुए हैं, और एडमिट कार्ड आपके सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2019 यानी नवंबर के सेकेंड वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और दोस्तों, जो ही एडमिट कार्ड जारी होंगे हम आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपकी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम मेन है उसका जो रिजल्ट, सॉरी, उनका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। और आप अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करें, कहाँ से करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम उस वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पीएससी के द्वारा जो दी गई है, और जिसके अंदर पीसीएस सर्विस में आपकी जो एडमिट कार्ड है डिपार्टमेंट के द्वारा वो नवंबर के सेकंड वीक में जारी कर दिए जाएंगे, और आपकी एग्ज़ाम 22 से 24 नवंबर के बीच में होने वाली है। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, और क्योंकि हमारे YouTube चैनल आर के अलर्ट में एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की खबरें सबसे पहले हम हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध करवाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।